ऐसे में सबसे पहले मैं आ रही हूं प्रियंका जी आपके पास, क्योंकि सारी उंगलियां इस वक्त आप ही की तरफ उठती नजर आ रही है। एक हार और देखिए सवाल कितने हजार। यूपी में तो ऐलान कर दिया टिकटों को लेकर 10 में से 6 सीटों पर, अब आपके हाथ कितनी लगेगी, क्योंकि जिस स्ट्रांग पोजिशन में आप दिख रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, अब उसी पर सवाल खड़े हो गए। देखिए मैं समझती हूँ कि जहां तक हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट हैं तो उस पर हम सवाल या निशान पूरी तरीके से लगा रहे हैं। आज भी हम इस बात को कहते हैं कि जो वोटर टर्नआउट डाटा था वो आज भी उसमें डाउट है, क्योंकि वो 5 तारीख से 7 तारीख तक अपडेट किया गया जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा वोटों का डिफरेंस दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने रिटन कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को दी, देखते हैं कि वहां से क्या जवाब आता है, किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं एक बार साफ क्लियर कर देना चाह रही हूँ, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में आज भी इंटैक्ट है। किसी की तरह से कोई मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी पार्टी ने इस तरह की कोई बात कही हो कि हमारा गठबंधन नहीं। पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इस बारे में कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर डिक्लेरेशन होना है, उसमें से 6 हुई है, अभी तो 4 बाकी है। ये समझ लेना अपने आप में कि हाँ नहीं, अब तो गठबंधन है। 4 में से कितनी सीटें आपको मिल रही है फिर ये तो डिसाइड होगा। मुझे लगता है कि ये समय आने पर आपके चैनल के माध्यम से 24 के दर्शकों को जरूर पता चलेगा। इन 6 सीटों पर तो, क्योंकि प्रियंका जी आप ही की तरफ से बयान आया ना कि इन 6 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी पहली लिस्ट जारी करने वाली है, कोई राय आपसे ली नहीं गई। देखिए उनके उनकी बात में आप पूरी तरीके से देखिए कि क्या है, उनकी बात में पूरी तरीके से ये है कि अगर कोई नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व के लेवल पे कोई बात होगी तो उन्हें नहीं पता है, और जो भी नेतृत्व डिसाइड करेगा हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से उस पर काम करें। 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है और उस पर पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए और उसके साथ में काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार झारखंड में भी, कल जो है हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी नेता है और आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, सारे लोग वहां पर गए और पूरी अपनी प्रतिक्रिया चालू है। पूरी तरीके से हम चुनावी मैदान में है, चुनावी तैयारी कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि अगर हम आपस में लड़ने वाली जो भी न्यूज़ें हैं उसको अगर हम स्प्रेड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके से कोई फायदे की जो है बात होगी। लगातार जिस तरह से हमने 2024 के चुनाव देखे, 2024 में लोकसभा का चुनाव देखा, उत्तर प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा है 62 सीटों से, ये कहां पर आ गए? तो उसके बाद भी अब कहने लायक नहीं बचे ये लोग, और उसके बाद भी आज खुशी मना रहे हैं बैठ के, किस बात की खुशी मना रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सवाल खड़ा हो गया ना आप पर, अब सवाल ये खड़ा हो गया कि गठबंधन के बिना आप बीजेपी का सामना नहीं कर सकती हैं। बीजेपी यही कह रही है, शिवसेना उद्धव गुट उनके हवाले से यही बयान आ रहे हैं, कमजोर हो गए हैं आप। बीजेपी का सामना कौन अकेले पार्टी करना चाहती है ये बताइए ना, हम तो साथ में खड़े थे, हम तो 24 के चुनाव में भी साथ में खड़े थे, हरियाणा में साथ नहीं खड़े थे ना। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, समाजवादी पार्टी की भी इच्छा थी कि 1-2 सीटें उन्हें दी जाए। हरियाणा में ठीक है आप पार्टी अलग लड़ी थी, हम दिल्ली में भी अलग लड़ रहे हैं, नुकसान हुआ ना उसका, साथ नहीं थे तो नहीं, ये तो पूरी तरीके से घोषित है, जहां जहां हम साथ में लड़ेंगे वो आपको बता देंगे, जहां जहां नहीं लड़ेंगे हम इंडिविजुअल लड़ेंगे, वो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी, इसमें किसी तरह की कोई डाउट है ही नहीं, हम तो पूरी तरीके से क्लियर है मैदान में। पर पूछना चाहती हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर की हार हुई है इसका ठीकरा किसके सर पे फोड़ेंगे एसएन सिंह जी, ये बता दें, वो हार इनके लिए कोई मैटर नहीं कर रही है क्या? जम्मू कश्मीर में तो लगातार ये कहते रहे कि बड़ा हमने काम कर दिया है, बड़ा वहां पे जो है शांति आ गई है, और लगातार जिस तरह के सवाल उठते रहे उसके बाद भी इन्होंने कहा गठबंधन वहां पर भी आपसे बेटर परफॉर्मेंस कर गए, गठबंधन करने को राजी थे पूरी तरीके से, वहां पर भी आपसे बेटर परफॉर्मेंस कर गए, 28 सीटों पर आप थे, केवल 1 सीट आपके हाथ आई, आपसे ज्यादा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। अरे बेटर परफॉर्मेंस सवाल पूछूंगी, उनकी हार के सवाल उनसे पूछ लूंगी, लेकिन आप पहले अपने गिरमा में तो झांकिए ना। नहीं नहीं हम तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिस तरह से वोटर टर्नआउट डाटा हो, वोटिंग मशीन जो स्ट्रांग रूम में रखी थी उनमें 99% बैटरी चार्ज हो, लगातार जिस तरह से जो जिस तरह से वोट के नोट के बदले वोट लिया गया लगातार एंड दिन इलेक्शन के, जिस तरह से किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, शराब तक बटी, क्या कुछ नहीं किया, ये सारी चीजें तो सवाल निशान है। एसएन सिंह जी जवाब दें ना इन चीजों पर, और ये बताएं कि कितने कितना कितना इन्होंने जो है कितना किस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की वो भी बताएं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जायज है क्या वहां पर, अगर जायज था तो क्यों नहीं इतनी रैली? ये तो देखिए चुनाव आयोग का विषय हो गया ना प्रियंका जी, लेकिन यहाँ हम आम आदमी पार्टी दिल्ली में कह रही है कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है दिल्ली में, तो यानी यहाँ गठबंधन नहीं होगा या यहाँ पर भी आप कोशिश करेंगे? अब यूपी में 10 में से 6 सीटों पर तो उम्मीदवार जारी कर दिए, नाम का ऐलान कर दिया, उन 4 में से भी आपको कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर भी सवाल खड़े हो गए ना। आपके सहयोगी आपको आंखें दिखा रहे हैं तुरंत नतीजों के बाद, पार्टी भी तो बताएगी अपने गठबंधन को कितनी सीटें बांट रही है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या? ये कंपटीशन तो बाद में स्टार्ट होगा ना जब भारतीय जनता पार्टी भी डिक्लेयर कर दे, अभी तो कहीं डिक्लेरेशन है ही नहीं, डेट डिसाइड नहीं है,
मुझे लगता है कि ये चर्चा अपने आप में बेतुकी है और बेमानी है। इस समय हमें सिर्फ इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि लोकतंत्र है और इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर जो सवाल या निशान उठ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इस देश की जनता को, क्योंकि ये लोकतंत्र का सवाल है। ये सवाल है कि इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर आम आदमी का जो विश्वास है, जो कार्यकर्ताओं का विश्वास है, वो पूरी तरीके से इस तरह चरमरा रहा है। आज सवाल उठ रहे हैं, उन सवाल ये भी है ना, जो अपने ही सहयोगी यहाँ पर सवाल खड़े कर दे, आप ही के परफॉर्मेंस को लेकर आपको ये बैकफुट पर ले आए तो भी सवाल खड़े होते हैं।